स्कूल में मास्टर साहब आके पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट भी भेज दीजिए। स्कूल में मास्टर साहब आके पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट भी भेज दीजिए। तो सही से समय पर बीज नहीं मिलता है और उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जीविका के कार्यों को देखने के लिए पूर्णिया के दमगारा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को जीविका दीदियों ने भव्य स्वागत किया। जीविका अरण्य एग्रो के द्वारा मक्के की खरीद बिक्री की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका की दीदी पूरे बिहार में न सिर्फ आर्थिक विकास का कार्य कर रही हैं, बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास करने में भी लगी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में युवा पीढ़ी मोबाइल के काफी करीब आ गए हैं। आप सब अभिभावक अपने युवाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दें। जिनका की दीदी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनन्या एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जीविका दीदी मक्के की खरीदी कर रही है, वहीं केला मखाना जैसे कच्चे मालों से उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीविका की दीदी अब स्कूल के छात्र छात्राओं के पोषक का निर्माण करेंगी, साथ ही हॉस्पिटल के लिए बेडशीट का भी निर्माण जीविका दीदी ही करेंगी। जीविका के कार्यों की मुख्यमंत्री ने सराहना की। स्कूलों को भी क्या करने देखिए, स्कूल में मास्टर साहब आके पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट भी भेज दीजिए, बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। तो एक एक चीज को देखिएगा तो बहुत तरह की बातें होगी। तो सिर्फ जीविका समूह के माध्यम से कोई किसी आमदनी को बढ़ाना नहीं, बल्कि जागृति भी पैदा करना और आपका इतना ज्यादा धीरे धीरे विकसित होना, आपको समझदार बनना, तो ये तो दिखा रहा है ना कि जागृति है। आप लोग स्वयं भी करते रहे और ये देख लीजिए कि कौन सा काम और बेहतर ढंग से इनसे करवाया जा सकता है। इनको ट्रेनिंग भी किया जा सकता है, इनसे काम भी करवाया जा सकता है, वो बेहतर होगा और उससे पूरे इलाके का विकास होगा। किसी के कहने से नहीं विकास होता, इन्हीं सब चीजों से विकास होता है। आप बताइए, हम लोग यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री है, कोई आता है यहाँ? हम लोग कितनी सुविधा देते हैं, लेकिन फिर भी कैसे विकास होगा? कैसे हर साल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और जो देश में पूरे बिहार का जो अपना है उसमें वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या? इसका कारण आप सब लोग सबसे ज्यादा हैं। जो जीविका समूह का काम शुरू हुआ वहीं से शुरुआत हुई है, इस बात को समझना चाहिए। तो हम आप सब लोगों का और कंपनी में जो मेरी सारी समूह की दीदियां थी उनका मांग था कि हमको सही से समय पर बीज नहीं मिलता है और उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ने दीदी को एक पीजी ग्रुप बनाया। पीजी ग्रुप में दीदी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।